नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग एमपी बाय टेस्ट बुक में। मैं हूं रोहित खीरा। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए इस क्लास में और शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि और भी साथी हमारे साथ इस क्लास में जुड़ पाए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाइए इस क्लास में और शेयर कर दीजिए इस लाइव सेशन को। चलिए तो स्टार्ट करें इस क्लास को। गुड आफ्टरनून राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को जल्दी से, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। स्टार्ट करते हैं बस एक मिनट में। चलिए गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए सभी को क्लियर है। गुड इवनिंग राधा जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्लियर दिख रहा है सभी को? हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू हो गया था, कोई और क्लास शो होने लगी थी मुझे यहां पर। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था क्या? दूसरी क्लास शो होने लगी थी एकदम से? चलिए अब तो क्लियर हो गया सभी को, अब क्लियर हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एमपी पटवारी की तैयारी या कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी, तो आप बढ़िया कोर्स खरीद सकते हैं। जी हाँ, 269 रुपए में केवल और केवल आपको क्या मिल जाएगा? पूरा एमपी पटवारी का पास मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रोहित सर। इसके साथ साथ आप अगर कर रहे हैं वन रक्षक क्षेत्र रक्षक की तैयारी, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं रोहित सर, जिससे आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, एकदम टॉप लेवल के टफ वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं आज क्या है, क्वेश्चंस जो होंगे एकदम टफ वाले होने वाले हैं यहां पर आपके लिए। बिल्कुल इजी वाले बिल्कुल नहीं आएंगे आज, आपको टफ वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
चलिए आप तो मेरे हिसाब से सही से चल रहा होगा। चलिए अब तो सही चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। रुक गई क्लास, कुछ बच्चे बोल रहे हैं रुक गई है क्लास। क्लियर चल रहा है बच्चों? देख लो आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए क्लियर हो रही है सभी को? एक बार मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख लो, क्लियर आ रहा है आवाज सभी को? वीडियो क्लियर चल रहा है? हेलो बंतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गई होगी क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? चलिए चलिए सही चल रहा है ना? हाँ ओके। चलिए तो इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है मेरा रोहित अंडरस्कोर टेस्ट बुक, ये देख सकते हैं, है ना। और कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे यहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आज मैं आपको बता दूं आज क्वेश्चन टफ होने वाले हैं, पहले बता रहा हूं मैं। आज का लेवल अलग रहेगा दूसरे क्लास के हिसाब से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन एमएस वर्ड आपका बोला जा रहा है कंट्रोल जी जो होता है, कंट्रोल जी, जी हां कंट्रोल जी किस लिए यूज किया जाता है आपको, कंट्रोल जी किस लिए यूज किया जाता है। फिर से रुक गई क्लास? अब तो सही चल रहा होगा मेरे हिसाब से बच्चों। फिर रुक गई क्लास बोल रहे हैं बच्चे? अब तो सही से चल रही होगी? अब क्लियर चल रहा है? एक बार बच्चों आप कमेंट में बता दीजिए क्लियर चल रही है क्लास कि नहीं चल रही है क्लियर? रुक रुक के चल रही है क्या?
मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा क्लियर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट में और एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए चलिए देखते हैं। तो बेसिकली आप देखिएगा जो एमएस वर्ड होता है 2007 में, उसमें कंट्रोल जी जब दबाते हैं ना, तो कंट्रोल जी दबाने पर आपका क्या खुलता है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, साथ में आपका खुलता है गो टू टैब। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। याद रखिएगा आप देखेंगे यहां पर, अगर आप जैसे दबाएंगे ना तो आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस तरह से। यहां पर देखो आपका फाइंड एंड रिप्लेस भी रहेगा लेकिन गो टू टैब करके ऑप्शन आ जाएगा यहां पर, जब आप क्या दबाते हैं कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं, जब आप क्या दबाते हैं कंट्रोल प्लस जी दबाते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये वाला। चलिए बिल्कुल अब क्लियर चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही क्लास, ठीक है अब क्लियर चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्लास में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आप कंट्रोल जी दबाएंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें गो टू टैब होता है, रिप्लेस होता है, फाइंड होता है, जबकि आप कंट्रोल एफ दबाएंगे ना, कंट्रोल एफ दबाते हैं तो आपका नेविगेशन वाला खुलता है जहां पर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड नोट एंड फुट नोट। जी हाँ, एंड नोट और फुट नोट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, है ना, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है दोनों सेम होते हैं, फिर बोल रहा है एंड नोट जो होता है अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जबकि फुट नोट जो होता है पेज नंबर, नेम ऑफ द चैप्टर और ये चीजें होता है। फिर बोल रहा है एंड नोट क्या होता है, सीरीज ऑफ नोट प्लेस एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, जबकि फुट नोट जो होता है सीरीज ऑफ नोट एट द बॉटम ऑफ पेज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। चलो तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, एंड नोट जो होता है वो सीरीज ऑफ नोट होता है, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट में मिलेगा वो एंड नोट होगा, जबकि आपका एकदम बॉटम पे जो पेज की होगा वो आपका फुट नोट होगा। तो आप देखिए यहां पर ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये देखो ये फुट नोट है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो यहां पर एकदम लास्ट में जब पेज आपका खत्म हो रहा है वहां पर फुट नोट होगा, जबकि एंड नोट कहां होगा, जहां पर आपने लिखना बंद किया वहां से आप शुरू कर सकते हो एंड नोट को। तो ये फर्क होता है दोनों में, मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चों क्लास को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए इस क्लास में, इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वेरी गुड राहुल रावत जी, शहादत अली जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अविनाश, नीलम, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है, जहां पर बोल रहा है कंप्यूटर जार्गन में डब्लू डब्लू डब्लू, चार बार डब्लू है, देखो चार बार डब्लू है, इन चार बार डब्लू का अर्थ क्या होता है ये पूछा जा रहा है, चार बार डब्लू है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है। हेलो इंडियन रॉकर, बहुत बहुत स्वागत है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए फटाक से। चार बार डब्लू ऑप्शन में है, वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्न, वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ वेव, वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वेव, वर्ल्ड वाइड वुमेन्स वीक। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, सभी बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। इसका सही आंसर होता है ए ऑप्शन, यानी वर्ल्ड वाइड वेव वॉर्म, डब्लू 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 चार बार अगर पूछ लेता है तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे डब्लू 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 का फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है, है ना, ये बेसिकली आपका क्या है अर्लीस्ट सर्च इंजन माना जाता है, ठीक है। अर्लीस्ट सर्च इंजन अगर मैं कहूं तो इसको हम मानते हैं बेसिकली, है ना, और इसको क्लेम कहा जाता है कि पहला सर्च इंजन था, ऐसा क्लेम मानते हैं इसका, जब तक भाई 1994 में दूसरे सर्च इंजन नहीं आ गए तब तक इसको मानते थे हम, है ना। इसके अलावा ये 93 में ओलिवर मैकब्राउन द्वारा क्या किया गया था, बकायदा डेवलप किया गया था डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, चार बार जो डब्ल्यू आएगा आपका, ठीक है। और इसमें 3 लाख से ज्यादा मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स का क्या था, डाटा बेस था पूरा का पूरा, है ना। इसके अलावा 1,10,000 के आसपास वेब पेज यहां पर क्या थे, इसमें बेसिकली आपके इंडेक्स हुए रखे थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगा क्या है तो आप बता सकते हैं। गुड इवनिंग नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा टफ होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ होने वाले हैं, अच्छे से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन बोला है एस डी एल सी का फुल फॉर्म क्या है। एस डी एल सी, जी हाँ एस डी एल सी। चलिए जल्दी से एक बार क्लास को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ इस क्लास में जुड़ पाए। वैसे ही क्लास में आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, बंद हो रहा था शुरू में, लेकिन अब बढ़िया क्लियर चल रही है क्लास। तो जल्दी से एक बार क्या कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, शेयर कर दीजिए। चलो जल्दी से, बिल्कुल। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसका फुल फॉर्म होता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेडिटेशन इंडिया, वेरी गुड। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एस डी एल सी का फुल फॉर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें पहले स्ट्रेटजी होगी, डिजाइन होगा, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर आपका डिप्लॉयमेंट और आखिरी में मेंटेनेंस। तो ये पूरा साइकिल जो होता है कहलाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म आप कहेंगे तो एस डी एल सी होता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको क्या सकता है क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर पांचवा आ चुका है। बोल रहा है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो अगर हम दबाते हैं, जी हाँ कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाएंगे तो इसका काम क्या होता है ये बताना है। पहला बोल रहा है ये कर्सर को एकदम बिगिनिंग में ले आएगा, शुरुआत वाली लाइन में ले आएगा। बोल रहा है कर्सर को एक वर्ड लेफ्ट ले आएगा, कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाएगा या एक पैराग्राफ नीचे ले जाएगा। तो मेरे हिसाब से जाहिर सी बात है, जैसे अगर मैं यहां पर कोई वर्ड लिख रहा हूं ए एप्पल ऑरेंज, है ना, मान के चलिए कर्सर यहां पर है, तो मैंने जैसे ही कंट्रोल और क्या दबाया, जैसे ही मैंने कंट्रोल और लेफ्ट की दबाई तो वो क्या करेगा, एक वर्ड पहले क्या कर देगा, कर्सर को लेके आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला कि ये एक वर्ड पहले कर्सर को क्या कर लेता है, मूव कर देता है, है ना, एक वर्ड केवल, है ना, एक वर्ड। जैसे यहां पर था, मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाया तो एक वर्ड वो आगे आ जाएगा, फिर मैंने दबाया तो वो उठ के कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, फिर मैंने दबाया तो उठ के यहां आ जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था, याद रखिए कल की और परसों की क्लास में, कि कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होता है, आफ्टर वाले वर्ड को क्या करता है, डिलीट कर देता है, है ना। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस आपका बैक स्पेस, है ना, तो इसका भी मैंने बताया था ये क्या करता है, लेफ्ट वाले एक वर्ड को पूरा का पूरा डिलीट कर देता है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट आती है एग्जाम में, तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कम बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे या तुक्का लगा पाएंगे। क्या क्वेश्चन है कि एमएस डॉस में, लिनक्स में या यूनिक्स में कमांड जो आती है, एक कमांड हम टाइप करते हैं वू एम आई, है ना, वू एम आई, ये कमांड जो होती है टाइप करने पर स्क्रीन में क्या शो करती है। अब ये थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसका आंसर शायद ही दे पाए, है ना, बट आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कमांड हम वू एम ए एम आई ये टाइप करेंगे, चाहे आप एमएस डॉक्स में हो, चाहे लिनक्स में हो, चाहे आप कहा यूनिक्स में हो, तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है इस कमांड का। पहला बोल रहा है कि आईपी एड्रेस जो होगा सिस्टम का प्रिंट करेगा, दूसरा बोल रहा है यूजर आईडी, यूजर लॉगिन की बताएगा, फिर बोल रहा है प्रिंट द इफेक्टिव यूजर आईडी ऑफ लॉगिन यूजर, बोल रहा है देयर इज नो सच कमांड। चलो जल्दी से बताओ, बिल्कुल बिल्कुल शहादत जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यहां पर काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, हाँ ये करता है बेसिकली प्रिंट इफेक्टिव यूजर आईडी जो हमने लॉगिन कर रखी है, हमारी यूजर आईडी जो भी रहेगी उसको क्या करेगा, प्रिंट करके बताएगा कि भैया ये आपकी यूजर आईडी है। जैसे होता ना कई बार हम यूजर आईडी भूल जाते हैं, तो उस केस में ये क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। देखिए इस तरह से, जैसे जैसे ये एक यूजर आईडी चल रही थी, है ना, इसने क्या किया, कमेंट में एमएस डॉक्स में मान के चलिए मैंने टाइप किया वू एम आई, तो वो जो आपका यूजर नेम है, जो आपका यूजर नेम है, यूजर आईडी, उसको क्या कर देगा, टाइप कर देगा, जो आपका यूजर नेम है उसको क्या कर देगा,
टाइप कर देगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वू एम आई अगर इस तरह से आता है तो आपको ध्यान रखना है इसका काम क्या है, आपका जो भी यूजर नेम होगा, यूजर आईडी होगी, उसको क्या कर देगा, शो कर देगा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है लाइनक्स में व्हाट कमांड यूज विथ वीआई एडिटर के साथ हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, वीआई एडिटर के साथ हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं टू रिप्लेस टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू राइट, ये आपको पूछा जा रहा है। चलो वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। चलो जल्दी से देखो, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में एस, स्मॉल लेटर में एस, अपर कैपिटल में आर या स्मॉल में आर, ये आपको बताना। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि शायद ये आपने कभी पढ़ा हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी रिप्लेस तरह का करना हो ना, तो कैपिटल लेटर आप आर टाइप करते हो तो वो क्या करता है, रिप्लेस करता है टेक्स्ट को कर्सर के राइट में, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैपिटल आर, कैपिटल आर अगर आप टाइप करेंगे ना, वो अपर केस मतलब क्या है, लिखने का तरीका है कैपिटल आर या स्मॉल एस या कैपिटल एस, तो इस तरह से आपके ऑप्शन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये इस तरह से लिखिएगा अपर केस, वो कैपिटल एस बना के दे देगा, स्मॉल एस बना के दे देगा, स्मॉल आर बना के दे देगा, कैपिटल आर बना के दे देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 एग्जाम में आया है ना, उसने कुछ एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से ऑप्शन दिया, एस दे दिया, स्मॉल एस दे दिया, आर दे दिया और कैपिटल आर दे दिया, तो आपको ये भी ध्यान रखना, जरूरी नहीं ये लिख के देगा, तो ये चीजें बस दे सकता है कि इस तरह से लेटर बस लिख के दे दे स्मॉल और कैपिटल में, तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया राहुल, वेरी गुड, इंडियन रॉकर मेडिटेशन इंडिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है एसटीएमएल में, किसमें एसटीएमएल, आप सभी को पता है, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा इसका, फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है फुल फॉर्म क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा एसटीएमएल का यूज, एसटीएमएल का यूज किस लिए किया जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, इसी प्रकार एक क्वेश्चन उसके कमांड पे दे दिया है, एसटीएमएल की कमांड पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ब्लैक हमको बैकग्राउंड करना है, उसके लिए हम एसटीएमएल में कौन सी कमांड देंगे, ब्लैक बैकग्राउंड करना है हमें एसटीएमएल में तो हम कौन सी कमांड देंगे, बॉडी बीजी कलर, और ये बॉडी बैकग्राउंड या बॉडी बैकग्राउंड कलर ये, या फिर कलर ये, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। चलिए तो मैं ही बता देता हूं इसका आंसर, इसका सही आंसर है बॉडी बीजी कलर इक्वल टू आपका जो भी कलर का नंबर होता है वो आप यहां पर टाइप करेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, ब्लैक बैकग्राउंड होगा। एग्जाम्पल में समझिएगा, एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक HTML का मैंने आपका यहां पर प्रोग्राम लिखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं है ना, HTML बॉडी टैग स्टार्ट यहां से चालू हो गए, तो बीजी कलर जैसे मैंने ग्रीन लिखा, बीजी कलर मैंने ग्रीन लिखा तो जो मेरा बैकग्राउंड होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। बीजी कलर मैं यहाँ पे आपका क्या कहूँ, कलर का जो नंबर होता है वो लिख दूं या फिर आपका नाम लिख दूं तो ब्लैक लिख दूं तो ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बकायदा इसमें टाइपिंग करते हैं, HTML में हम प्रोग्राम लिखते हैं ताकि वो वेबसाइट में चले, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एमएस डॉस के कमांड पे आधारित है, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है एमएस डॉस पे आपको बन जाए, एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा आपको डॉस में फुल फॉर्म पूछ लेता है ना, डॉस का फुल फॉर्म पूछ लेगा, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है एमएस डॉस में है ना, ये पूछ लेगा इसका, फिर हिस्ट्री पूछ लेगा, डॉस की हिस्ट्री पूछ लेता है ना, डॉस का वर्जन पूछ लेता है कि भैया आखिरी वर्जन कौन सा था डॉस का है ना, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर बनेंगे, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहां पर पूछ रहा है कि हमें सब डिक्शनरी देखनी है, बकायदा कौन सा कमांड हम टाइप करेंगे कि सब डिक्शनरी आ जाएगी, तो याद रखिएगा हम कमांड टाइप करते हैं ट्री, तो ट्री के रूप में बन के क्या होता है, पूरी की पूरी डिक्शनरी यहां पर आ जाती है, तो आप यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, डिक्शनरी आ जाएगी। जैसे आप ट्री वाला कमांड देंगे तो इस तरह से देखो ट्री के फॉर्मेट में बकायदा क्या हो जाएगी, डिक्शनरी बन के आ जाएगी। आप करके देखिएगा आज एमएस डॉस में है ना, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा, देखिए बैनर्स बिट्स और इस तरह से आपका बन के आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, सभी को क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर बोल रहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में 2007 में विच अलाउ
यू टू लिंक अदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट कनेक्टिंग टेक्स्ट इन द वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक और बुक मार्क. भैया आपने देखा होगा कुछ बुक्स की पीडीएफ आपने देखी होंगी, कुछ बुक्स आपने डाउनलोड की होंगी तो उसमें पीडीएफ रहती हैं, तो उसमें देखना होगा आपका कंटेंट होता है. कंटेंट में अलग अलग चैप्टर का नाम होता है. मान के चलिए पहला चैप्टर जैसे मैथ्स की बुक में बोल रहा हूँ मैट्रिक्स का है, दूसरा चैप्टर मान के चलिए अलजेब्रा का है, इस तरह से है ना. तो आप लिंक दिया होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो सीधा आप देखते हैं कि वो मैट्रिक्स वाले चैप्टर पे ले जाता है, या फिर आप किसी उसमें क्लिक करेंगे सीधा वाले चैप्टर में पहुंच जाएंगे. तो वो बेसिकली हमारा एमएस वर्ड के थ्रू डाला जाता है, वो क्या कहलाता है आपको बताना है. तो ऑप्शन में हाइपर लिंक है, क्रॉस रेफरेंस है, इंडेक्स है, या टेबल ऑफ कंटेंट है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों. हाइपर लिंक तो भाई सिंगल लिंक होता है जो आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाएगा, वो हाइपरलिंक हो गया है ना, वो तो एक लिंक है. लेकिन बुक के अंदर ही आपके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं. मान के चलो जैसे मैंने 50 पेज की बुक बनाई और मैंने वहां पर डाल दिया कि पहला चैप्टर कंप्यूटर के टाइप का है, दूसरा चैप्टर आपका ये है, तीसरा चैप्टर ये है, पांचवा चैप्टर क्या है, कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट है. तो मेरे को अगर डायरेक्ट इनपुट आउटपुट क्लिक करूंगा तो वो चैप्टर पे पहुंच जाए, तो वो बेसिकली हाइपरलिंक तो नहीं होगा. हाइपरलिंक क्या होता है, पर्टिकुलर आउटसाइडर लिंक होगा है ना. तो यहां पर सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस रेफरेंस. इसको क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस कहते हैं. पढ़ा है कभी क्रॉस रेफरेंस? नहीं पढ़ा होगा, आधे बच्चे तुक्के लगा रहे हैं यहां पर, मुझे पता है ना. ये देखो जैसे ही आप कहां जाएंगे, इंसर्ट के अंदर जाएंगे. जैसे ही कहां जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो इंसर्ट के अंदर यहां पर एक ऑप्शन आता है लिंक्स करके. लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर लिंक आएगा, बुकमार्क आएगा, और एक ऑप्शन आता है क्या, क्रॉस रेफरेंस. एक ऑप्शन आता है क्या, क्रॉस रेफरेंस. तो इन चीजों का अच्छे से ध्यान दो तभी ये क्वेश्चंस बन पाएंगे. जब आपने प्रैक्टिकल किया होगा ना तभी कर पाओगे है ना. तो बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या कर रहे थे, हवा में तीर छोड़ रहे थे, कहीं तो लगेगा सर पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा तो होगा, तीसरा तो होगा, कोई तो लगा ही देते हम. तो ये तुक्के मत लगाओ यार, थोड़ा सा देख लिया करो उसके बाद तुक्के लगाया करो. चलो कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी तुक्के भी लगाना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब राउटर फंक्शन. भैया राउटर का फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है, राउटर का फंक्शन क्या होता है ये आपको बताना है. चलो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पैकेट स्विचिंग का काम करता है, दूसरा पैकेट फिल्टरिंग का काम करता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का काम करता है, बोल रहा है उपयुक्त सभी. तो यहां पर तो भाई मुझे भी लगता है सभी बोलेंगे सभी है ना, यहां पर भी आप बोलेंगे सर सभी. तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नई नॉलेज है, तुक्का मत लगाओ है ना. हाँ नेगेटिव मार्किंग होती तो तुक्के पे तुक्के आते आपके, तो फिर पता चलता कि तुक्का लगाना कितना हानिकारक है. अभी तो कुछ नेगेटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. चलो ये क्वेश्चन देखो. चलिए तो मेरे हिसाब से अगर क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मजा आ रहा है तो क्लास को जाके शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिएगा जल्दी से है ना, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा जल्दी से. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है. चलो देखो यहां पर बोल रहा है 10/100 इस तरह से लिखा है. ये क्या बताता है, प्रोटोकॉल स्पीड बताता है, फाइबर स्पीड बताता है, मेगाबाइट पर सेकंड बताता है, या मिनिमम मैक्सिमम सर्वर स्पीड बताता है. तो आप सभी को बता दूं 10/100 या आपकी क्या बताता है, मेगाबाइट पर सेकंड. मेगाबाइट पर सेकंड को शो करता है, पर सेकंड को शो करता है ये बेसिकली आपका, ठीक है, पर सेकंड को शो करता है. थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा. इसका मतलब है कि मिनिमम 10 MB स्पीड है, मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 100 MBPS तक चली जाएगी. तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. सी वाले यहां पर बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा. वेरी गुड शहादत, बहुत बढ़िया. अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज पैसिव कमांड, What does passive command provide dynamic routing protocol? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको हो सकता है तुक्का लगाना पड़े, हो सकता है आपको तुक्का लगाना पड़े इस क्वेश्चन में. बोल रहा है जो पेसिव कमांड प्रोवाइड करता है डायनेमिक रूटिंग के लिए वो क्या कहलाता है. ऑप्शन में है स्टॉप इंटरफेरेंस फॉर सेंडिंग रिसीविंग पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट्स. फिर बोल रहा है स्टॉप इंटरफेरेंस फॉर सेंडिंग पीरियोडिक डायनेमिक अपडेट बट नॉट फॉर रिसीविंग अपडेट.
फिर आपका बोला जा रहा है स्टॉप द राउटर फॉर्म रिसीविंग एनी डायनेमिक अपडेट और स्टॉप द राउटर फॉर्म सेंडिंग एनी डायनेमिक अपडेट। चलो जल्दी से बताओ, चलो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी से। हाँ कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं इसका आंसर, तेरवां क्वेश्चन है, ध्यान रखो तेरवां क्वेश्चन है। हाँ ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, पेसिव कमांड प्रोवाइड डायनेमिक रूटिंग प्रोटोकॉल में, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। हाँ कौन सा है अब इन दोनों में से एक आंसर है, मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, मैंने आपके लिए आंसर यहां पर 50-50 कर दिया कि ये दो तो होंगे नहीं कभी भी। ये दो ऑप्शन है, स्टॉप इंटरफेरेंस फ्रॉम सेंडिंग और रिसीविंग प्रियोडिक डायनेमिक अपडेट्स, दूसरा है स्टॉप सेंडिंग प्रियोडिक बट रिसीविंग, तो इसका सही आंसर है सेकेंड, है ना। आपका सेंडिंग से वो रोक देगा लेकिन रिसीविंग के लिए कोई वो नहीं करता, है ना, सेंडिंग के लिए रोक देगा लेकिन रिसीविंग को वो रखा रहेगा चालू, तो ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड बी आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड रक्षा, बहुत बढ़िया नीरज, नीलम वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ा है आप लोगों ने कि तुक्का लगाया, पढ़ा है कि तुक्का लगाया, ये बताओ पहले मुझे। चलो ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है इनमें से कौन स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है इनमें से किस में हम अपनी पीपीटी को पावर पॉइंट को यहां पर ओपन नहीं कर सकते, स्लाइड शो नहीं करवा सकते। ऑप्शन में है पावर पॉइंट, कीनोट, गूगल स्लाइड या सफारी। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को यहां पर क्लियर होगा, सफारी जो है मेरे प्यारे बच्चों को क्या एक ब्राउजर है, सफारी क्या है ब्राउजर है, बाकी सब आपके देखेंगे तो वो आपके पीपीटी वाले ही सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। चलो तुक्का लगाया था अतुल जी बोल रहे हैं, नीरज बोल रहे हैं तुक्का लगाया था, बिल्कुल है। चलो कोई बात नहीं, चलता है कई बार तुक्के भी काम कर जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो सभी को पता है ना सफारी क्या है ब्राउजर है, ये तो सभी को पता है सफारी क्या है ब्राउजर है, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है HTML क्या करता है, यूज टू क्रिएट HTML क्या करता है, अभी मैंने बताया था इसका, है ना। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। HTML अभी मैंने बताया था कि भाई HTML से दो तीन क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तो यही आएगा कि फुल फॉर्म पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है, दूसरा करता क्या है भाई साहब, करता क्या है HTML, तो आप सभी को पता है HTML क्या करता है, HTML क्या करता है, वेब पेज डिजाइन करने के काम आता है, अभी एक क्वेश्चन इसमें आया था, है ना, वेब पेज डिजाइन करने का काम करता है। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन ये भी आएगा, सर कंप्यूटर की पीडीएफ नहीं मिल रही है, बेटा टेलीग्राम ग्रुप अगर मनीषा आपने ज्वाइन किया होगा तो वहां पर डेली कंप्यूटर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना, क्लास की जो भी पीडीएफ रहती है टेलीग्राम पे आ जाती है। वेरी गुड अरुण, बहुत बढ़िया, शहादत, सारिका वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लिनक्स व्हाट कमांड इज यूज नॉट यूज्ड टू लिस्ट द फाइल chap01 chapter02 chapter04, इनमें से कौन सी कमांड जो है लिनक्स में यूज नहीं की जाएगी, ये आपको बताना, नहीं लिखा है वर्ड ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपको थोड़ा बहुत लिनक्स का ज्ञान होना चाहिए, लिनक्स का थोड़ा बहुत आपको कमांड का ज्ञान होना चाहिए तब आप ये कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। लिनक्स की कमांड आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे MS-DOS की कमांड होती है, है ना, कि भाई लाना के लिए क्या यूज किया जाता है, ठिकाना के लिए क्या यूज किया जाता है, वही चीज यहां पर आपको आनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना यहां पे तुक्के ही लगा पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो आपका लिखा है ना chap124, ये कमांड यूज नहीं कर सकते, ये chap124 कमांड यूज नहीं कर सकते, बाकी chap0124 ये करोगे तो हो जाएगा, chap0124 करोगे हो जाएगा, चैप स्टार लगा के करोगे हो जाएगा, लेकिन chap124 अगर डायरेक्ट ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बेसिकली आपकी फाइल को क्या करेगा, लिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीजों का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आपको बस काम आएगा नॉलेज, नॉलेज कैसे कि आपको जो लिस्ट ऑफ कमांड होती है, जैसे कॉपी के लिए क्या कमांड यूज की जाती है MS-DOS में, पेस्ट के लिए क्या यूज किया जाता है, फाइंड के लिए क्या यूज किया जाता है, डिक्शनरी शो करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो उसके लिए आपको ये थोड़ी कमांड रटने पड़ेंगे, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, है ना, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं कि आप बिना शॉर्टकट किए कि हाँ सर शॉर्टकट मार देंगे हो जाएगा, नहीं, यहां पर आपको रटना पड़ेगा कमांड, ठीक है। तो इसको कर लेना, कमांड रट लेना होमवर्क समझ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
बोल रहा है एक्सेल 2007 में विंडो में किस एरिया में वैल्यू और फॉर्मूला एंटर किया जाता है। आप अपना फॉर्मूला और वैल्यू एक्सेल आप सभी ने चलाया है, कहां पर डालते हो? टाइटल बार में डालते हो, मेन्यू बार में डालते हो, फॉर्मूला बार में डालते हो, या स्टैंडर्ड टूल बार में डालते हो? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी दे पाओगे। चलो जल्दी से इसका आंसर दो। क्लास पसंद आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्लास को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से। चलो चलो बहुत बढ़िया। फॉर्मूला बार, जी हाँ, फॉर्मूला बार में ही आप क्या लिखते हैं, फॉर्मूला और बाकी सब चीजें कैलकुलेशन होती हैं। बिल्कुल, स्टैंडर्ड टूल बार अलग चीज हो जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बॉक्स में आपके बहुत सारे चीजें आ जाएंगी, लेकिन फॉर्मूला बार में केवल ही आप क्या रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। मेन्यू बार आपका अलग हो जाएगा, टाइटल बार जो जहां पर फाइल लिखी होती है, फाइल का नाम लिखा होता है, वो टाइटल बार होता है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। गुड इवनिंग कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है ईमेल सर्वर क्या है, ईमेल सर्वर क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। ईमेल सर्वर क्या है? हाँ, पहला बोल रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है फॉर रिक्वेस्टिंग, ट्रांसवर्सिंग, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स अवेलेबल इन द www ऑन योर कंप्यूटर। फिर बोल रहा है प्रोग्राम दैट डिलीवर वेब पेजेस इन रिस्पॉन्ड टू वेब रिक्वेस्ट ओवर द HTTP। फिर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस फॉर ईमेल। फिर बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर है, ईमेल कोई भी कंपनी चलाती है, जैसे मान लीजिए गूगल का ईमेल है, तो उस गूगल का एक सर्वर होगा जहां पर सभी ईमेल पहले जाते होंगे। जैसे आप क्या करते हो, चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी पहले आप जाएंगे लाल डब्बे में डालेंगे, लाल डब्बे से वो कलेक्ट होके वहां के हेड ऑफिस में पहुंचेगी, हेड ऑफिस से पहुंच के वो जहां जहां शहर में जाना उस शहर के हेड ऑफिस में पहुंचेगी, फिर जाके आपके घर पे आती थी। तो वही चीज है आपका ईमेल सर्वर का, ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, पोस्ट ऑफिस है, जहां पर सभी ईमेल जाती है पहले, उसके बाद वहां से वो यूजर के पास जाएंगी, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तुक्के मत लगाओ यहां पर कि यहां पे तुक्के काम करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ईमेल सर्वर क्या है, तो ईमेल सर्वर एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस ही है आपका। जैसे आपके घर से कोई चिट्ठी निकलती थी तो पहले वहां के हेड ऑफिस गई, हेड ऑफिस से वो ट्रेवल करके जिस शहर में आपको भेजना है वहां के हेड ऑफिस जाती है। वैसे यहां पर भी है कि ईमेल भेजा तो पहले कहां जाएगा आपका, ईमेल सर्वर में जाएगा, वहां से फिर आपका कहां जाएगा, यूजर के पास जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें से बोल रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर को कौन सा परिभाषित करता है, ये आपको बताना है। पहला बोल रहा है सिस्टम जो होता है एम्प्लॉयड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लगता है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन रिक्वायर हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। फिर बोल रहा है फास्टेस्ट कंप्यूटर टू अवेलेबल ऑन गिविंग पॉइंट ऑफ टाइम। फिर बोल रहा है सिस्टम विच कंट्रोल एनवायरमेंट बाय रिसीविंग डाटा प्रोसेसिंग या ऑल दी अबव। तो मेरे हिसाब से सभी इसका आंसर कर पाएंगे क्या होगा। 18 का सी बोल रहे हैं दुर्गेश जी, 18 का सी बोल रहे हैं यहां पर, तो यहां पर सही आंसर है 1। 19 का हो जाएगा ए, पहला वाला सही इसका आंसर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बड़ा कंप्यूटर होता है जो कि वहां की ज्यादा डाटा को प्रोसेस करने के काम आता है, उसे मेन फ्रेम कहते हैं। बिल्कुल, ऑल दी अबव नहीं होगा इसका आंसर, ऑल दी अबव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑल दी अबव भाई? बोल रहा है फास्टेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल, भैया सुपर कंप्यूटर भी तो नाम की चीज होती है ना कि नहीं होती है, हैं? सुपर कंप्यूटर भी तो कोई नाम की चीज है, सुपर कंप्यूटर है ना सबसे ज्यादा, फिर कैसे कह सकते हो आप? तो ये वाला तो वैसे ही पॉइंट गलत है, ये वाला पॉइंट तो वैसे ही गलत है कि भैया फास्टेस्ट कंप्यूटर है अभी अवेलेबल, तो ये तो गलत है ना भाई। मेन फ्रेम फास्टेस्ट नहीं है, फास्टेस्ट है कौन, सुपर कंप्यूटर, जिनकी स्पीड आप देखेंगे बहुत ज्यादा होती है ना नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले में। फॉर इंडिया का देखें तो परम हो गया, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, फिर मैथ्स की क्लास चालू हो जाएगी 5 बजे से। जल्दी क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि भैया यू वॉन्ट टू फाइंड आउट विच यूजर नेम आर करेंटली यूजिंग स्पेसिफिक डिक्शनरी और विंडो नेटवर्क सर्वर एंटी सर्वर कंप्यूटर, व्हाट शुड वी डू। हमें पता लगाना है कि विंडो एंटी सर्वर में कोई कंप्यूटर के समय कोई
पर्टिकुलर डिक्शनरी का क्या कर रहा है, डायरेक्शनरी का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो बोल रहा है भाई साहब वो कैसे करेंगे प्रयोग हमको बताना है। पहला बोल रहा है यूज विंडो एंटी एक्सप्लोरर, दूसरा बोल रहा है यूज डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर, फिर बोल रहा है यूज सर्वर मैनेजर और यूज मैनेजर फॉर डोमेन। तो आपने विंडो एंटी पढ़ा होगा, एक बार क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, सही से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो बेसिकली हम यहां पर यूज करते हैं सर्विस मैनेजर का, ध्यान रखिएगा जो सर्विस मैनेजर का यूज करेंगे हम यहां पर, तो हम देख सकते हैं जो उस नेटवर्क में है वो क्या कर रहा है। बिल्कुल यहां पर हम यूज करते हैं सर्विस मैनेजर का, याद रखिएगा किसका यूज करते हैं, सर्वर मैनेजर का यहां पर यूज करेंगे, सर्वर मैनेजर का हम यहां पर यूज करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई वो चीज क्या कर रहा है, ये चीजें कर रहा है। अब जैसे आपका खुद में आप देखो एक नेटवर्क है ना, नेटवर्क सर्वर है, अब ये सर्वर के अंदर कौन कौन क्या क्या कर रहा है वो हमको नोटिस करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, सर्वर मैनेजर का यूज करेंगे। गुड इवनिंग सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में, ठीक है। दुर्गेश जी बोल रहे हैं सही से नहीं दिख रहा बेटा, एक बार आप क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है आपका किस प्रोटोकॉल का उपयोग डेस्टिनेशन नेटवर्क अज्ञात संदेश को वापस मूल होस्ट के पास प्रेषित करने के लिए किया जाता है, विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड डेस्टिनेशन नेटवर्क अननोन मैसेज बैक टू ओरिजिनेटिंग होस्ट। ऑप्शन में दे रखा है टीसीपी, एआरपी, आईसीएमपी और बूट एमपी। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर, और एक बार मेरे प्यारे बच्चों क्लास को प्लीज शेयर कर दो, ताकि और भी साथी हमारे साथ क्या हो पाए, जुड़ पाए। चलो जल्दी से शेयर कर दीजिए, गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का, एक बार क्लास को मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दो, आज काफी बच्चे लेट जुड़े हैं क्लास के एंडिंग में, है ना। तो ये होता है आईसीएमपी, आईसीएमपी क्या होता है फुल फॉर्म पूछ लेगा, आईसीएमपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा टीसीपी का फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको, है ना, बाकी का तो उतना कभी एग्जाम में देखने को नहीं मिला, इसका मिला है और टीसीपी का मिला है, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये आपने भेजा क्लाउड पे बैठे बैठे इस तरह से, और ये आपको वापस भेज देगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, फुल फॉर्म भी पूछा गया है इस पे, तो फुल फॉर्म भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं प्यार से डांटता हूं यार, अब क्या करूं, गुस्सा तो कर नहीं सकता ना, तो प्यार से ही डांटना पड़ेगा। चलो जल्दी से क्वेश्चन देखो, बोल रहा है वेयर कैन यू फाइंड हॉरिजेंटल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन, आप एमएस वर्ड 2007 स्क्रीन में हॉरिजेंटल स्प्लिट बार कहां पर पा सकते हैं। ऑप्शन में दे रखा है लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रोल बार, ऑन लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रोल बार, राइट में या टॉप में या बॉटम में। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से बता दो, ये होता है ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बार, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रोल बॉल, जहां पर आपका क्या मिलेगा हॉरिजेंटल स्प्लिट बार आपको देखने को मिलेगा, थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर तुक्के मत लगाओ, तुक्के लगाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, तुक्के मत लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी बफर रजिस्टर, जी हाँ मेमोरी बफर रजिस्टर का काम क्या है यहां पर पूछा जा रहा है, मेमोरी बफर रजिस्टर का काम क्या है पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दे रखा है कि हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जो लोकेशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होने वाला उसको बताएगा, या इलेक्ट्रिकल सर्किट है, या बोल रहा है एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट बी रीड फ्रॉम द स्टोर इन टू, फिर बोल रहा है कंटेन अ कॉपी ऑफ डिजाइन मेमोरी लोकेशन स्पेसिफिक बाय एमएआर आफ्टर रीड एंड द न्यू कंटेंट ऑफ द मेमोरी प्रायर टू राइट। चलो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, पढ़ा है कभी, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं यहां पे भी तुक्का लगा रहे हैं, हाँ तुक्का मत लगाओ यार, कभी पढ़ा हो तो बताओ जल्दी से। हाँ एमबीआर, पहले तो एक फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बन चुका है इस पे कि एमबीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका काम होता है इसमें क्या होगा, कॉपी होगा किसका, मेमोरी लोकेशन का, जो एमएआर है ना, एमएआर क्या कर चुका है, रीड कर चुका है, और जो न्यू कंटेंट है
मेमोरी का, उसमें राइट किया जा रहा है, उसका एड्रेस ये कंटेन करता है। डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा इसमें आपका क्या होगा, बकायदा कॉपी एड्रेस होगा किसका, जो MAR कर चुका है रीड या उसको राइट कर रहा है उसका। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से, बोल रहा है यहां पर, ये शायद मैं ऑलरेडी एक बार करवा चुका हूं किसी क्लास में, जहां पर बोल रहा है एक्सेल 2007 में होल्ड रो कॉलम टाइटल इन प्लेस दैट दे डू नॉट स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल अ वर्कशीट क्लिक। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन में है फ्रीज पेन कमांड व्यू, अनफ्रीज पेन कमांड व्यू, हाइड कमांड ऑन व्यू टैब और स्प्लिट कमांड। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली एक दो क्लास में शायद आया था, तो आप ध्यान रखिएगा फ्रिज पेन कमांड व्यू होता है व्यू टैब में, इसको कर देंगे तो आपका वो स्क्रॉल नहीं होगा, वहीं का वहीं रहेगा। और ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी दे सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी दे सकते हैं। फ्रीज वाला कमांड जो होगा उसको आप यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बोल रहा है एमएस पावर पॉइंट में जो टेम्पलेट फाइल होती है, देखो यहां पर नॉर्मल फाइल नहीं लिखी, कौन सी फाइल लिखी है, टेम्पलेट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। टेम्पलेट फाइल लिखी है, देखो ध्यान से, ये नहीं कि आपने नॉर्मल पीपीटी एक्स बोल दिया, टेम्पलेट फाइल लिखी है यहां पर, ध्यान रखना टेम्पलेट फाइल का यहां पर बताना है आपको, टेम्पलेट फाइल। हाँ, डॉट POTX है, PPTX है, PPTT है और .POTT है, टेम्पलेट फाइल। तो टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखिएगा टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है .POTX, टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है .POTX, ये टेम्पलेट फाइल की बात हो रही है। जैसे आप सेव करेंगे ना पीपीटी में तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, सेव अस फलाना, सेव अस दिखाना। जैसे मैं आपको यहां पर ओपन करके दिखाना चाहूं तो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं यहां पर, ताकि आपको क्लियर रहे, ओपन करके देख लेते हैं यहां पर, आपको क्लियर रहेगा। जैसे आप देखेंगे यहां पर, आप क्या करेंगे, इस तरह से पीपीटी खोलेंगे, आप जाएंगे और सेव करेंगे, है ना। मान के चलिए मुझे कहीं भी सेव करना है, मैं यहां पे सेव कर रहा हूं, है ना, मान के चलिए यहां पे सेव कर रहा हूं, कहीं भी सेव कर रहा हूं, ठीक है, मान के चलिए मैं कहीं भी सेव कर रहा हूं, तो यहां पर आप देख पा रहे हो बहुत सारे फॉर्मेट खुलते हैं। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो बहुत सारे फॉर्मेट खुलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना। अब इसका नीचे इसका बकायदा वो भी आ जाएगा, पावर पॉइंट मैक्रो एनेबल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट टेम्पलेट, देखो पावर पॉइंट टेम्पलेट आ गया, फिर पावर पॉइंट 97 से 93 का टेम्पलेट आ गया। तो इस पर आप क्लिक करोगे ना तो जो सेव होगी वो .POTX के फॉर्म से होगी। अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थी कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हमने आज टॉप 25 क्वेश्चन की, और आज की क्लास में जो क्वेश्चन से उनका लेवल थोड़ा सा हाई था। यहां पर मैंने आपको एमएस डॉस से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ लाए थे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो उनको अच्छे से कीजिएगा। होपफुली आपने इंजॉय की हो क्लास, तो प्लीज क्लास को जाके लाइक कर दो, मजा आया हो शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ साथ क्लास का टाइम टेबल मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर का आपको क्लास मिलेगा 4 बजे, 5 बजे मिलेगी मैथ्स की क्लास, 7 बजे रीजनिंग, 6 बजे MPG की, 8 बजे हिंदी और 9 बजे आपको मिलेगी साइंस की क्लास। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको प्यारे बच्चों टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, तो ये PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, Rohit_ या स्कैन कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में मैथ्स की 5 बजे करेक्ट। जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहां पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज जाके शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।